Being a fitness freak, I always take out time for workout. But vacation pe kabhi socha nahi tha. Hello guys, I'm Afraz and we are here at Alibag at U Tropicana Resort. And it has a beautiful ambience or gym. So I've done a good workout and now it's time to make some healthy breakfast. Ande yahan par hai mere paas, which are quite rich in protein. The king of protein actually, you can say. So ande ke saath kuch banate hai aur ek kuch milkshake banate hai. So yahan par mere paas ek steamer. So let's heat this up. Ande ko steam karenge. I'm going to use egg whites, not the egg yolks, because it has some calories. We don't want that. So egg whites ko separate kar lete hai. There you go. This is done. Let's add some salt. Steamed eggs are quietly eaten by Chinese people. They prefer this a lot. Isme main thode vegetables dalunga for the crunch. Some green capsicum. Some red pepper chop. Thode se yellow. And now let's add some spring onion. So isse main chop kar lunga. Let's add this in. So spring onions aa gaye. Ab dalte hain thoda sa crushed black pepper. That's it. मेरे पास यहाँ पर सॉसेजेस भी है, अगर आप चाहो तो उसे भी चॉप करके इसमें ही डाल सकते हैं, बट मैं उसे अलग से सर्व करूँगा ऑन द प्लेट. अब लेते हैं एक विस्क एंड इसे अच्छी तरह से बीट कर लेते हैं. सो स्टीमर भी गर्म हो चुका है एंड एग मिक्सचर इज ऑल्सो रेडी. अब इसे मैं ट्रांसफ़र कर दूँगा इन सिलिकॉन मोल्ड्स में. अगर आपके पास ये नहीं है तो आप एक नॉर्मल स्टील का बोल भी यूज़ कर सकते. जस्ट मेक श्योर यू ग्रीस इट विद लिटिल बटर. सो चलिए इस एग के मिक्सचर को आप डालते हैं सिलिकॉन मोल्ड में. सो ये हो गया. चलिए स्टीमर भी गर्म है, अब प्लेस कर देते हैं. सो कवर करके आई एम गोइंग टू कुक दिस फॉर अराउंड 7 to 10 मिनट्स अंटिल द एग इज कम्प्लीटली स्टीम्ड एंड कुक्ड. और साथ ही मैं क्या करते हूँ, मैं एक बढ़िया सी स्मूदी बनाता हूँ. सो एक ब्लेंडर जार में मेरे पास यहाँ पर है डेट्स, वेरी न्यूट्रिशियस. तो कुछ डेट्स मैं डालूँगा मेरी स्मूदी में. साथ ही में आई हैव सम सनफ्लावर सीड्स, सम वॉलनट्स, आमंड मिल्क डालूँगा मैं, तो जो वीगन लोग हैं वो भी इस स्मूदी को एंजॉय कर सकते हैं. अब एक हल्का सा फ्लेवर विच आई लव, इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर. और स्वीटनेस डेट्स की तो आ ही जाएगी, बट टू गिव अ नाइस बॉडी मेरे पास है ये इलची केला. आई एम जस्ट गोइंग टू पील दिस एंड चॉप कर लेते हैं इसे हल्का सा. दिस विल गिव दैट नाइस स्मूदी टेक्सचर. और चलिए इसे भी ऐड कर लेते हैं इसमें. एंड देयर यू गो, सो सिंपल, जस्ट इसे ब्लेंड करना है एंड इट्स रेडी. सो स्मूदी हमारा तैयार है. लेट्स चेक द एग्स. या इट इज़ परफेक्टली डन. अब लेते हैं एक पैन, इसे मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ. लेट दिस बी इन द स्टीम, तो ये गर्म रहेगा. पैन में हल्का सा बटर. सो बटर यहाँ पर गर्म हो रहा है एंड आई हैव सम मल्टीग्रेन ब्रेड टोस्ट. आई एम गोइंग टू टेक अ नाइस बिग प्लेट. ब्रेड एक साइड पे अरेंज कर देते हैं. बटर भी गर्म हो चुका है. सॉसेजेस को हल्का सा सौते कर लेंगे विद सम चेरी टमेटोज. एंड नाउडेज इट्स बेस्ट वे टू इंक्लूड फ्रूट्स विद योर ब्रेकफास्ट. सो ओयो आई हैव एन अवोकाडो. सो अवोकाडो को कट कर लेते हैं. अवोकाडो को इस तरह से कट किया जाता है. जस्ट स्क्रोल द नाइफ एंड देयर यू गो. सो मैं इसके स्लाइसेस कट कर लूँगा कुछ इस तरह से. I'm going to place it right here. Some orange segments, sausages, and let's demold this over the bread. So chia seeds goes on the top.
So, मेरा breakfast ready है. बहुत भूख भी लगी है because workout भी काफ़ी किया था. It's time to indulge in this healthy breakfast. So, मैं इसे enjoy करता हूँ. For more such interesting breakfast recipes, do keep watching Chef's Day Out on Sanjeev Kapoor Khazana.